हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋषभ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आज गेमिंग फ्रीक पे। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं सबके लिए एक और नई वीडियो जो कि है SBK 16 की। और फाइनली यार, आज मैंने सोचा है कि अब से मतलब मैं ये डेली तो मैं वीडियो में भले ही ना डाल पाऊँ SBK वाली, और भी क्योंकि यार मैं गेम बनाता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, कहीं मतलब मैं जैसे कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डाल देता हूँ, कभी मार्केट अलग अलग डालता हूँ, तो ये नहीं कि सीक्वेंस में आए। बट हाँ, अब मैंने ये सोच रखा है कि हर बाइक की मतलब एक लाइन से जो हमारे SBK 16 में जितनी भी बाइक्स हैं शुरुआत से 10R से लेके, तो हर मैप पर उसको ट्राई करेंगे और उसको मतलब कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट जितने ही मैप हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आज के लिए पहला मैप और हमारी पहली बाइक यानी कि JRX-NR उसकी वीडियो लेके आया हूँ। तो आप से वीडियो को एंजॉय करो और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। चलो यार दोस्तों, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं मतलब आगे और सिलेक्ट करते हैं फाइनली। यार मैं सोच रहा हूँ क्विक रेस ही करते हैं, तो मतलब क्विक रेस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मतलब जो हमारी जितनी भी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो शुरू में कि मतलब फाइनली वैसे ही मतलब हमारी फर्स्ट बाइक होगी, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे अब सीक्वेंस में कि पहले अपनी ट्रेनर और उसके बाद जो जो उसके बाद की बाइक होंगी और हर मैप में उसको चलाने वाले हैं। और मतलब कोशिश ये करेंगे कि उसको मतलब सही तरीके से चलाएं, कुछ भी कोई दिक्कत ना हो मतलब चलाने में, जैसे मतलब कहीं ट्रैक से बाहर चली जा रही है या कुछ भी। फिर ट्राई है मेरा, ट्राई है मतलब 10R में फर्स्ट टाइम मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मतलब हर ट्रैक को चलाने वाली मतलब मैं लेकर चल रहा हूँ। तो पहली वीडियो है मतलब पहली वीडियो मतलब उस वाली पहली वीडियो है जिसमें मतलब हमारा जो मैंने बताया कि सीक्वेंस स्टार्ट करने वाला, तो उसी पहली वीडियो है। तो फिलहाल आप इन्जॉय करो, मैंने इसमें ट्राई करता हूँ, कोशिश कर सकते हैं कि कितना हम इसमें सही कर पाते हैं, कितना मतलब ट्रैक से बाहर जाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो ये आ गया अपना फिलिप्स आइसलैंड वाला ट्रैक, सॉरी तो फिलिप आइसलैंड है। ओके चलते हैं आगे के मतलब यार हम तो सबसे लास्ट में रखते हैं, अब खैर क्या ही करें, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ड्राइवर को स्टार्ट होने में कल का कैमरा का चेंज हो गया। चलो चलते हैं आराम से आगे। यार इसमें मुझे ये बड़ी अच्छी लगी कि इसका ना व्यू जो आ रहा है फ्रंट व्यू वो काफ़ी आराम से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके जैसे आर रूम में दिखता नहीं ढंग से, इसमें मतलब काफ़ी क्लियर दिख जाता है मेरे को। अगर वो यार अगर आपको भी ऐसा लगता हो कि मतलब थोड़ा सा आर रूम में दिक्कत है उसमें मतलब पेड़ वो जो साइड के वो हैं निकले, मैं जानते नहीं क्या बोलते हैं, वैसे तो विंडस्क्रीन बोलता हूँ, वो यार बाहर निकल के यार ये होता है बातें बातें मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब मैं ये कहता, हाँ मैं ये कहता कि जो आर रूम में है मतलब उसकी जो विंडस्क्रीन ही बोल लो उसको, तो उसके जो साइड से निकले हुए हैं तो यार उसमें मतलब ऐसा है कि कुछ ज़्यादा बाहर लगता है मेरे को। इसमें क्या है, इसमें मतलब थोड़े से कम्फर्टेबल है, थोड़े कम है, चौड़े ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से सामने का हमको क्लियर काफ़ी दिख जाता है। और चलते हैं फिलहाल अभी यार थोड़ा रेस पर भी ध्यान देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा फिर से छुट जाए। ओके चलो भाई चलते हैं, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा रेस पर ध्यान देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई चलिए चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो मैं आ ही गया। वैसे यार ऑलमोस्ट हम पहुँच गए 15 नंबर पे, अपनी पोजिशन आ जाए 14 आ गया, बढ़िया यार। ये मुझे काफ़ी बढ़िया कट लगता है, जो क्रीम से लिखा था ना काफ़ी सही लगता है, क्योंकि यार इसमें मतलब ये काफ़ी आराम से उड़ जाती है भाई। बाकी येलो और रेड में तो सबसे खतरनाक होता है, पर जल्दी से मुड़ती नहीं है भाई। तो खैर चलते हैं फिलहाल आगे, 10th पे हम पहुँच गए हैं। ओ भाई कैसा नहीं, अच्छा कोई कमी पीछे कर देंगे वो फिर आगे लो भाई, आगे निकल गए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। अभी 2 लैप और हैं, आराम से निकल सकते हैं आगे। समझ गए समझ गए, बिल्कुल बाहर नहीं जाना सवाल के बाद, जितना सवाल कर सकता है कोशिश करने की ट्राई। वैसे मैंने ईजी में ही कर रखा है, अभी हार्ड शूट किया नहीं है, कभी करेंगे। फिलहाल तो मैं अभी जितनी भी वीडियो बनाऊँ ईजी में रहेंगी, क्योंकि यार अभी थोड़ा ही हाँ ये हो सकता है कि अगर लास्ट में थोड़ा सा मतलब हाथ अगर सही फिट हो जाए, सही से प्रॉपर तरीके से बाइक चलाने लगे, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ मैं उसमें मतलब चेंज करके उसको हार्डर कर लूँ। बट अभी थोड़ा शुरू होते हैं, मैं ईजी रखने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि बार 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 मैं हारूँ। हारना तो खैर यार चलो कोई नहीं, गेम है कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यार हार्ड में क्या होता है मैं एकदम से अगर ज़्यादा स्पीड में रखूँ, मैं सोचूँ कि आगे निकालूँ बाइकों से मतलब बंदों से बाइक आगे निकालूँ और राइडर से आगे लेके जाऊँ, तो क्या होता है मेरी स्पीड थोड़ी ओवर स्पीड हो जाती है बाइक, और उससे भी मेरा क्रैश होने का ज़्यादा वो चांस हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आराम से ईजी में चलाओ, सेफ चलाओ ज़्यादा सही है। और रियल लाइफ में दोस्तों कुछ भी हो राइडिंग गियर्स पहन के चलानी चाहिए भाई, ये तो सिर्फ गेम है, तो इसलिए पहन लेते हैं पहले मतलब इसमें जैसे मर्जी चलाते हैं। तो देखो ये देखो बाहर कहीं भी निकल जाता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट रियल लाइफ में हमेशा फुल राइडिंग गियर्स पहनो, सेफ रहो। चलो यार चलते हैं, सेकंड लाइन हमारा काफ़ी स्टार्ट काफ़ी आगे आ गया। नहीं 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 बच गया भाई, बच गया काफ़ी। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। अब अगर मैं इसमें ब्रेक नहीं मारता तो मैं सीधा क्रैश हो जाता इसमें, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। चल 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 मैं बाहर बजे चल मैंने, ठीक है चलते हैं आगे। बच गया भाई, बार बार ऐसा लगता है बाहर निकलने वाला हूँ, नहीं भाई नहीं निकला, ओवर स्पीडिंग में जाती कई बार। ओके भाई आगे भी आई थिंक 10R चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं, उस 10R को पीछे करेंगे। सेकंड नंबर पे ही है वैसे हम, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ओह देखिए देखिए यही चीज़ है, बेकार लगती है बंदे धीरे कर लेते हैं उनसे, बट यार यही है ना कि ईजी में है। अब मैं तो देखो थोड़ा मतलब यार वही है ना कि मैं भी बिल्कुल नया नया मतलब इतना है नहीं कि एक्सपीरियंस हो बहुत तगड़ा कि हाँ किस टाइप से बाइक चलती है ट्रैक पे, तो जैसे मैं चला सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। नहीं 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 लो भाई ये देखो
यही चीज़ मैं बोल रहा था, बातों बातों में एक तो ध्यान निकल गया, मैं आगे निकल गया, अगर कोई दिक्कत नहीं चलते हैं फटाफट से आगे। चल भाई चल 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 चल, ओके चल यार सही है बढ़िया। हमारा ये थर्ड लैप भी ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, हम पहुँच गए अभी। फिलहाल तो मेरी ओर से ज़्यादा सही टक्कर चल रही है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड हो रहा है बार बार। चलो फिलहाल तो मैं फर्स्ट हो गया, काफ़ी आगे निकल गया उससे। ओके बस गिरना नहीं, अगर मैं गिरा तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगा, तो फिर मेरे को थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ओके भाई स्पीड हमारी 280 प्लस जा चुकी है, वो है 290 पर जाती है, बस 2 हो नहीं पाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा संभालो संभालो, क्योंकि अगर मैं 90 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ तो सीधा बाहर हो गए, क्रैश भी हो सकता था या मैं ट्रैक से बाहर ही हो जाता। अगर कोई दिक्कत नहीं चलता है बराबर। ओके ये थोड़ा सा सही लगता है मेरे को बाहर में। चलो भाई हो गया कम्प्लीट, मतलब भाई वहाँ पर यार काफ़ी मतलब मैं कोशिश करती कि स्पीड कम ना करूँ, और मतलब थोड़ी सी बीच में हुई थी कम, बट मैंने खींच दी थी उसको। ये कट ये बाहर में बाहर हो गया था फिर से। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी स्लो करनी है, बट यार कसम से ये हार्ड रेड वाला जो कट साथ है ना, ये तो कुछ ज़्यादा मतलब इसको एक तरह से पूरे यू टर्न बोल सकते हो, पूरे घूम के पीछे चला जाना होता है। चलो भाई चलते हैं आपसे आगे, ये भी कम्प्लीट करने वाले ऑलमोस्ट। लो भाई थर्ड लैप पे हाँ ये हमारा ही है। ओके 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 चलो भाई चलो फटाफट चल, बंदे भी हमसे बहुत ज़्यादा ही पीछे हैं। ओके चलो भाई ये भी आ गया फटाफट से हम। चलो भाई मतलब 200 की स्पीड में भाग रही, भाई किलो अभी कम हो गई, कम 140 ऑलमोस्ट हो गई, 150 लंबी चल रही है, 145 130 120 और अब तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी 100 से नीचे, मुझे पता था 60-50 तक ऑलमोस्ट आ गई। चलो भाई चलो ओके, काफ़ी यार सही है, मतलब लास्ट 24th पोजिशन पे थे हम, और उससे मतलब ट्राई कर करके हमने फर्स्ट पे ले आए। थोड़ा सा यार ये था कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ट्रैक से बाहर हो जा रहा था, बट यार एडजस्ट कर लेना, मैं इतना कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, प्रोफेशनल राइडर नहीं कि मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलाऊँ, बट जो भी था मैंने पूरा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए कि हाँ कोशिश करूँ ट्रैक के अंदर ही रखूँ बाइक को। तो दोस्तों अगर यार एफर्ट्स अच्छे लगे आपको तो यार वीडियो को प्रॉपर से लाइक कर देना, और अगर ये अच्छा लगा है मतलब जो ये वीडियो थी अगर अच्छी लगी और ऐसे और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो फटाफट से। सो दोस्तों कैसे लगी आप सबको वीडियो, या फाइनली यार आज मैंने जैसे कि ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने रेस ही करी नॉर्मल, बट हाँ मैंने ये ट्राई किया कि हमारा लास्ट से देखे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जो हमें फर्स्ट पोजीशन है, सॉरी पॉइंट कह रहा हूँ, हमारी पोजीशन है उसमें हम रीच करें, तो आप फाइनली में रीच कर भी लिया था। कई बार मतलब थोड़ा ट्रैक से बाहर हो भी गया था यार, मतलब वो ये ना कि प्रैक्टिस अभी है नहीं, प्रैक्टिस धीरे धीरे कर रहा हूँ अभी यार, मैं डेली वीडियो खेल भी नहीं, मतलब गेम खेल भी नहीं पाता, ट्राई करता हूँ कि हाँ खेलूँ प्रैक्टिस करके, बट हाँ जितना हो सकता है मैं उतना प्रैक्टिस करता हूँ। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट डाउन करना, और जब तक वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उन सब नोटिफिकेशन आप पास आ सके। चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली गेम वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।